Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to do exam analysis for PNBSO Credit Officer 2024 exam. So my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years. And I appeared for this exam. The scale to not this one, but usme quant reasoning, English, tha and all our team members. We appeared for this exam so that. हमें पता चल सके कि एग्जाम में क्या क्या है एंड वी कैन गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम फॉर यू सो दैट वी कैन डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम्स ठीक है हम बेटर कर पाए बेटर स्टडी मटीरियल एग्जाम्स सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ देर इज एनी राइट सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न एंड 25 फाइव क्वेश्चन इन रीजनिंग एबिलिटी राइटी 25 इन इंग्लिश 15 इन क्वॉंट

सी देर आर फाइव का फाइव ऑप्शन पाँच ऑप्शन हैं राइट पाँच ऑप्शन हैं और आपने एक आंसर टिक करना है और चार यू uh, नो you know, अगर ऑप्शन होती तो एक uh, तुक्के मार मार्ग आपको एक अच्छा यू you नो know, स्कोर मिल सकता था लेकिन पाँच ऑप्शन हैं गलत आंसर का पॉइंट टू फाइव कट जाएगा राइट सो अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स दे अटेम्प्ट रैंडमली जहाँ मैं सेंटर में गया था तो आई हैव सीन दैट आई टॉक डू सम ऑफ द स्टूडेंट्स मी दिस थिंग सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड अटेम्प्टवन टू एट क्वेश्चन इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड अटेम्प्टेवन टू एट क्वेश्चन विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी इट इज गुड इनफ ये काफ़ी सही है इवन इफ यू हैव अटेम्प्टेड लाइक फाइव सिक्स क्वेश्चन विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी यू हैव डन रियली वेल आपने अच्छा किया है डोंट लिसन टू अदर्स डोंट लिसन टू रैंडम यूट्यूब चैनल और एनी थिंग इफ यू हैव अटेम्प्टाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी बहुत अच्छा करके आए हो आप ठीक है इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट था स्ट्रेट लाइन मैं बताऊँगा अभी कौन कौन से टॉपिक्स हैं बट इट वॉज डिफिकल्ट ओके इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर वॉज वेरी इजी नॉट ईजी इट वॉज वेरी इजी आई मीन इट इज़ इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू अटैम्प्ट ऑल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन विद गुड एक्यूरेसी आई वुड से आप लाइक सेवेंटी एट्टी परसेंट एक्यूरेसी के साथ ट्वेंटी फाइव भी अटैम्प्ट कर सकते थे इफ़ यू आर एबल टू स्कोर यू नो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मार्क्स तो वो बहुत ईजी रहेगा इंग्लिश की वजह से मोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल नहीं होंगे इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी था द रीडिंग कॉम्प्रीेंशन वॉज़ वेरी ईजी बहुत ही ईजी थी रीडिंग कॉम्प्रिेंशन जो आई थी पेपर में एक ही रीडिंग कॉम्प्रिशन में बहुत सारे क्वेश्चन से और आई वुड से कि इसमें तेरह चौदह पंद्रह मार्क्स लेने इंग्लिश में बहुत ईजी है रीजनिंग की वजह से कोई फेल नहीं होगा इसकी सेक्शनल सबकी क्लियर होगी इवन क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड वॉज़ आई वुड से नॉट दैट ईजी लेकिन द क्वेश्चन लाइक डेटा इंटरप्रटेशन मेड इट ईजी कुछ ही क्वेश्चन थे वो डिफ़िकल्ट आप कभी भी पेपर करते हो वेन यू फॉर द एग्जाम द क्वेश्चन इन द बिगनिंग स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट मिलते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अगर पचास क्वेश्चन है पहले दस क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे लेकिन लास्ट के क्वेश्चन ईजी थे डेटा इंटरप्रिटेशन वॉज ईजी नंबर सीरीज वॉज ओके डूएबल पार्टनरशिप मिक्सचर्स एंड एलिगेशन रिपीटेड क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कैन बी डन इजिली एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर लाइक थर्टी फोटीन यू बी एबल टू स्कोर द सेक्शन कट ऑफ एंड दैट इज ऑल वॉट रिक्वायर्ड आई एम अफ्रेड एंड आई एम डाउटफुल अबाउट रीजनिंग दिस इज गोइंग टू बी द कल्परेट इंग्लिश और क्वांट वेरी ईजी कुछ डिफिकल्टी नहीं है उसमें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो कुछ नहीं था उसमें रीजनिंग डिफिकल्ट था पाँच छः मार्क्स अगर आपके आते हैं इट्स डन इट्स ओवर वू वॉन्ट टू द प्रोफेशनल नॉलेज इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर इवन फाइव मार्क्स देन इट्स 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 अ टफ थिंग वेन आई से फाइव टू सेवन

hiraan karne wala reasoning was little difficult okay reasoning was difficult english was very easy Quant was doable not easy not hard it's moderate professional knowledge no surprise element moderate okay in the reasoning ability there were there was a puzzle which was difficult setting arrangement color based puzzle was there blood relation statements and conclusion wind diagram and directions and distance so uh, directions मई टीम मेम्बर्स टोल बट आई हैव नॉट सीन दैट स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स व ओनली क्वेश्चन विच वर एक्चुअली ईजी ये पार्ट ही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला पार्ट थोड़ा सा रिलेटिवली रिलेटिवली ईजी था बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट था ब्लड रिलेशन भी डिफिकल्ट था एक्चुअली सॉरी टे कुछ एक स्टूडेंट्स को ईजी लगा होगा वो बोलेंगे कि बहुत ईजी था लेकिन इट वॉज टफ कॉल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड मी जिनसे मैंने बात करी उन्होंने यही बोला है इंग्लिश लैंग्वेज वॉज ईजी एवरीबडी वॉज एबल टू डू दैट जम्बल्ड वर्ड्स वॉज देयर जम्बल सेंटेंसेस वॉज देयर एरर स्पॉटिंग वॉज देयर लाइक वोकैबलरी थे वोकेबलरी के इतने क्वेश्चन नहीं थे सात दस नहीं थे लाइक टू क्वेश्चन वॉर देयर फ्रॉम वोकेबलरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वॉज देयर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इस वॉज देयर इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लिखना था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज देयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज देयर राइट सो so, पूरा उसमें लाइक रीडिंग कॉम्प्रींशन में वो कैप के क्वेश्चन से इसको सही से लिख नहीं पाए शायद रीडिंग कॉम्प्रियशन के अंदर आर के क्वेश्चन से दे वर लाइक टू वो कैप बेस्ड क्वेश्चन राइट टू ब्लैंक्स थे ब्लैंक्स थे तो दस मार्क्स सीधे रीडिंग कॉम्प्रिएशन में यहाँ से थे एक ही पैराग्राफ है उसी में से दो वर्ड्स बोल्ड किए हैं यू नीड टू टेल द मीनिंग ऑफ दैट ब्लैंक्स वॉज देयर सो एरर एरर स्पॉटिंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से आई थिंक पाँच के सात क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग में से ही आ गए थे एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप बोलो इन दोनों में से क्वेश्चन से एंड देन जम्बल्ड वर्ड्स ओके जम्बल सेंटेंसेस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वॉज मॉडरेट बट डेटा इंटरप्रिटेशन सेव्ड द डे ये जो पंद्रह क्वेश्चन थे दे वर ईजी डेटा इंटरप्रिटेशन वॉज ईजी एंड देन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वॉज ईजी राइट एंड इवन जोमेट्री वॉज ईजी इफ़ यू हैव डन इट अगर आपने करा है तो ईजी है एवरेज वॉज ईजी पार्टनरशिप वॉज़ वेरी ईजी प्रॉफिट एंड लॉस वॉज ईजी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के तीन चार क्वेश्चन थे वो ईजी थे इवन सी मोस्ट ऑफ इट वॉज डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट से थे एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से आई वुड से डिफिकल्ट थे डिफिकल्ट थे एक्चुअली मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू आंसर द नंबर सीरीज के क्वेश्चन राइट डिस्टेंस के क्वेश्चन दे वर लाइक ओके ओके डूएबल थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चन आए थे इवन दे वर लाइक डूएबल एक क्वेश्चन ईजी था एक थोड़ा सा मॉडरेट था ठीक है सो ईजी टू मॉडरेट आई कैन से सो एनी वेज इट वॉज डूएबल आप आउट ऑफ फिफ्टी यू कैन ईजिली यू नो ट्वेंटी फाइव कर सकते थे बट देर वॉज अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट पेपर में तो कट uh, ऑफ इसकी इतनी नहीं जाएगी पंद्रह सोलह या थोड़ी सी इतनी जा सकती है रीजनिंग की कट ऑफ आई वुड से कि कट ऑफ ही दो या तीन जाएगी राइट right? रीजनिंग का कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इट शुड बी थ्री और फोर मैक्स आठ नौ जाने के कोई चांसेस नहीं है थ्री फोर फाइव मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइव ठीक है चार भी जा सकती है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इन द प्रोफेशनल नॉलेज कैलकुलेशन ऑफ एल टी वी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना वेरी ईजी टॉपिक क्रिलिक्स की डिफिनेशन की फुल फॉर्म एस बी आई सी बी में भी आता है हर एग्जाम में आता है एम आर आर का फुल फॉर्म अनसिक्यो सिक्योर्ड एक्सपोजर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट एक्सपोजर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इनकम सीलिंग अंडर पी एम ई जी पी गवर्नमेंट स्कीम रीपेमेंट पीरियड पी एम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है पी एम विश्वकर्मा स्कीम अगेन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम एस बी आई सी बी ओ ये हमने सारा कराया हुआ है एक्चुअली ये सारे के सारे जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये मोस्टली हमने करवाए हुए हैं एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं हुआ प्रोफेशनल नॉलेज से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने जो प्रोफेशनल नॉलेज करवाई उसमें से कुछ आया है नहीं है पेपर में कुछ रिपीट नहीं हुआ आप इवन पावर कैप्सूल भी उठा के देखोगे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन काफ़ी मैच बहुत सारे मैच हो रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डी एस सी आर राइट आर बी आई सर्कुलर्स और जस्ट जस्टिसकेंड जस्टिसकेंड उसके बाद डेट सर्विस कवरेज रेशियो था ये डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो ठीक है डू एबल रेशियो एनालिसिस राइट आर बी आई सर्कुलर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन थे बट मोस्ट ऑफ द आर बी आई वर ओल्ड पुराने सर्कुलर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे रैदर दैन द न्यू सर्कुलर्स सो दैट्स वाई आई आस्क ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप दो साल तीन साल पुराने सर्कुलर्स को पढ़ो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राइट right? तो ये याद रखिए आप पी एस एल प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग लिमिट फॉर एजुकेशन लोन ट्वेंटी लैक्स राइट सीजन बेस्ड वर्किंग कैपिटल कैश बजट मेथड डेट इक्विटी रेशियो में से क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन टंडन कमेटी सी जी टी एम एस सी रिपीटेड क्वेश्चन कंसेशनल रेट अंडर पी एम मुद्रा इंटरेस्ट रेट रीसेट अंडर एक्सटर्नल बेंच मार्क एटलीस्ट वंस इन थ्री मंथ्स इट्स एन आर बी आई सर्कुलर वर्किंग कैपिटल के तीन चार क्वेश्चन थे एंड दिन रेशियो एनालिसिस में से पांच क्वेश्चन थे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन आर इन आर यू नो इन आर कॉस्ट यू कैन सी दैट कुछ भी कुछ नया आपको देखने को नहीं मिल रहा द सेम रेशियो एनालिसिस द सेम वर्किंग कैपिटल द सेम गवर्नमेंट स्कीम्स द सेम डिप्रिसिएशन राइट द सेम वर्किंग कैपिटल यू कैन सी तो सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वॉट आई एम अफ्रेड ऑफ कि यहां पे रीजनिंग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट अगर रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ आ जाती है आठ नौ तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी वजह से पास नहीं हो पाएंगे आई I मीन mean, ये डिपेंड करता है पी वालों पे कि वो अब रीजनिंग की कट ऑफ कितनी रखते हैं अगर तो उन्होंने सेट कर दिया रीजनिंग का कट ऑफ उन्होंने देख के कि स्टूडेंट्स uh, ने अच्छा परफॉर्म करा है कि नहीं करा उसके बेसिस अगर रिलेटिव मार्किंग हुई अगर तीन चार का कट ऑफ रख दिया उन्होंने तब तो अच्छा है तब तो ठीक है नॉर्मल रहेगा सब कुछ नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत स्टूडेंट्स को देखने को मिल सकती है सो दिस वॉज माई एनालिसिस आई पेड फॉर द एग्जाम माई सेल्फ मैंने देखने गया था मेरे पेपर हमारी टीम के लोग देखने गए हैं मैंने फॉर का देखा है हमारी टीम के लोगों ने क्रेडिट uh, क्रेडिट का देखा है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द टोडेज सेशन इफ देर इज़ एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क डो नॉट आस्क क्वेश्चन लाइक की कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैं क्लेरीफाई कर चुका हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे कट uh, ऑफ जो है रीजनिंग की कट ऑफ लाइक थ्री टू फोर जानी चाहिए इंग्लिश की कट ऑफ जो है इट शुड बी लाइक नाइन टू टेन राइट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की कट ऑफ शुड बी लाइक ट्वेल्व टू थर्टीन आई वुड से थर्टीन फिफ्टीन भी जा सकती है प्रोफेशनल नॉलेज की जो कट ऑफ है दैट शुड बी अराउंड आई वुड से फोर्टी फाइव टू फिफ्टी के बीच में जानी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी ऑल द कट ऑफ ऑफ अ जनरल कैटेगरी राइट सो स्टूडेंट्स आर सोल्व फॉर टूडे आई होप यू लाइक द टुडे सेफ दर इज एनी डाउट इन योर माइंड ऑलवेज आस्क योर डाउट्स इफ यू वॉन्ट टू एड अप इन द सेशन अगर आपको लगता है कुछ कुछ ऐड ऑन कर सकते हो टेक यूर टाइम एंड टाइप योर कॉमेंट्स आई एम ऑल्सो टेकिंग माई टाइम एंड आई गोइन टू आंसर यू इफ यूर गिविंग अ गुड कॉमेंट अगर आप एक अच्छा कॉमेंट कर रहे हो आई एम गोइन टू रिप्लाई यू सो लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स सेक्शन में आप कॉमेंट कीजिए इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक करेक्ट मी राइट एंड इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग टू दिस वीडियो यू कैन डू दैट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय बाय